की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तरंगाग्र वेव फ्रंट। आज हम पढ़ेंगे तरंगाग्र वेव फ्रंट। अगर कोई ये प्रकाश का स्रोत है, उससे प्रकाश की किरणें माध्यम में जा रही हैं। अगर कोई दरवाजा है जिससे लोग जा रहे हैं, तो दरवाजा हमने फिक्स कर दिया कि इतनी जगह से लोगों को जाना है, तो वो तो एक फिक्स मीडियम बन गया। मीडियम में एक हमने एक बद्ध पृष्ठ ले लिया कि इतने से ही होकर लोगों को निकलना है। लेकिन जब प्रकाश चलता है तो उसकी किरणों के लिए हम कोई ऐसा माध्यम वास्तव में नहीं खींच सकते कि हमने इतनी जगह बांध दी, किरणों को उतने से ही होकर के निकलना है। तो वहां पर हम कल्पना कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने कहा, माध्यम में अगर कोई ऐसा पृष्ठ ले जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, उनका जो फेस हो, फेस एंगल उनका इक्वल हो। अगर माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ ले जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। अब जो ये तरंगाग्र है, वेव फ्रंट है, ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। एक होता है गोलीय तरंगाग्र, स्पैरिकल वेव फ्रंट। और एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तरंगाग्र तीन तरह के हैं। एक है समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट, एक है गोलीय तरंगाग्र, स्पैरिकल वेव फ्रंट, एक है बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर प्रकाश की किरणें माध्यम में एक दूसरे के समांतर और एक ही दिशा में आ रही हो, तो इसके रास्ते में जो हम काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं, तो उसका तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। प्रकाश की किरणें एक रास्ते में आ रही हो, एक ही ओर आ रही हो, और इसके रास्ते में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले, तो ये तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट समतल तरंगाग्र कहलाता है। अगर प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत हो और प्रकाश की किरणें माध्यम में इस तरीके से जा रही हो, उनकी त्रिज्या बढ़ती जा रही हो, तो इसके रास्ते में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ देते हैं, तो वो तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। अगर प्रकाश की किरणें ऐसे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें जा रही हो जिनकी त्रिज्या लगातार बढ़ती जा रही हो, अगर इस बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर हम यहाँ पर वृत्त खींचे, तो इसकी त्रिज्या बढ़ती जा रही है, तो इस तरह के तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। लेकिन प्रकाश स्रोत अगर लीनियर हो, रेखीय हो, और सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणें इस तरफ भी और इस तरफ भी प्रकाश की किरणें अगर जा रही हो, तो जो तरंगाग्र बनता है वो बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, उसे हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र तीन तरह के होते हैं, एक होता है समतल तरंगाग्र, एक गोलीय तरंगाग्र, एक बेलनाकार तरंगाग्र। अब मिलते हैं आगे अगली क्लास में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसके वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।